हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 36 साइज़ के ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। ये हम 36 साइज़ पे बनाएंगे और हम बोट नेक बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। जो भी हमारी लेंथ है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है मार्जिन का। तो लेंथ ली है हमने 14 इंच। तो इस तरीके से सीधी लाइन खींचेंगे। अब शोल्डर लेंगे हम 7 इंच, आर्म होल भी लेंगे 7 इंच। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब निशानों को मिला देंगे। नीचे से कमर के लिए निशान लगाएंगे, तो कमर के लिए लेंगे हम 7 इंच, 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, 1/2 इंच वेक्टक्स का, इसलिए 2 इंच का मार्जिन। अब 1.5 इंच की आर्म होल में गोलाई देंगे। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो हमें ऊपर से चौड़ाई में लेना है 4 इंच और लंबाई में लेना है 3.5 इंच। इस तरीके से अब हम हल्के हाथों से बोट नेक का शेप बना लेंगे। अब इसके नीचे हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से चौड़ाई में लेंगे हम 3 इंच और इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हमें इस तरीके से ब्लाउज़ की डिज़ाइन को बनाना है। तो हमें इस तरीके से बैक पार्ट में निशान को बना लेना है। अब इसके बाद इसी को रख के हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ मेन फैब्रिक की कटिंग भी कर ली है। तो इस तरीके से अब हम दोनों को बराबर मिला के रखेंगे। मेन फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे। तो हम दोनों तरफ इन निशानों को अच्छे से बना लेंगे। तो इस तरीके से निशानों को बनाने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कमर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब हम आगे नीचे की तरफ कोने पर यहाँ से डोरी डालेंगे। तो इस तरीके से डोरी डालने के बाद अब हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हम इसकी स्टिचिंग करनी है। तो हमने जो निशान लगाए हैं उसी पर अच्छे से घुमाते हुए हमें सिलाई चलाते जाना है। तो हम दोनों साइड डोरी लगाते हुए इस तरीके से सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम बीच में से कट लगाते हुए बीच का कपड़ा कट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको काट के अलग कर देना है। तो इसको काटने के बाद अब हम पूरे में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और कट्स लगाने के बाद इसको हम पलट कर अच्छे से सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम डोरी को खींच देंगे जिससे अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से सीधा कर लेना है। तो अच्छे से सीधा करने के बाद अब हम बैक साइड से इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे जिससे हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरीके से हम चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो बोट नेक का शेप बनाया था उस निशान को हम फिर से अच्छे से बना लेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम पेपर पेस्टिंग रखेंगे। तो हमें इस तरीके से पेपर पेस्टिंग रखना है और पेपर पेस्टिंग पर हम निशान को बना लेंगे। तो इस तरीके से हमें बोट नेक का शेप पेपर पेस्टिंग पर बना लेना है और बाहर से 1-1 इंच दूरी से हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हम पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद इसको हम अस्तर के साथ अच्छे से कवर करेंगे।
हम अस्तर पर अच्छे से मिला के रखेंगे और इस तरीके से हम दोनों तरफ इस पर सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। आप इसे प्रेस से भी चिपका सकते हैं। तो बाहर से जो कपड़ा है उसके कट करके अब इसको फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के अलग कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। अब इसे हम ब्लाउज में ज्वाइंट करेंगे। तो हमें ब्लाउज में इस तरीके से दोनों साइड्स को पकड़ते हुए बीचों बीच हमें कट लगा लेना है सेंटर पर। इसमें भी हम बीच में से सेंटर पे कट लगा लेंगे। अब हमें दोनों सेंटर को मिलाते हुए अच्छे से रखना है और इसमें पिंस लगा लेंगे। तो इस तरीके से पिंच लगाने के बाद अब हम गले पर सिलाई लगाएंगे। तो अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो हमें पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से इस पर सिलाई चलाते जाना है। तो इस तरीके से हम अच्छे से घुमाते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद हम बीच के कपड़े को काट के अलग कर देंगे और इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने से हमारा कपड़ा जो है वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब इसमें हम लेस लगाएंगे गले पर। तो हम पूरे गले पर अच्छे से लेस को लगा लेंगे। अब ऊपर हमने गले पे लेस लगा ली है, नीचे तरफ भी हम गले पर लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से हम कमर की साइड से लेस लगाते हुए उसी तरीके से ऊपर की तरफ लेस लगाते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें अच्छे से घुमाते हुए पूरे गले पर लेस लगा लेना है। तो हमने इसको अच्छे से लेस लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से आप भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इसको हम एक साइड में करेंगे और अब हम इसके लटकन बनाने के लिए चौकोल कपड़ा कट करेंगे इस तरीके से और उसमें चारों तरफ से लेस लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम तीन और कट करके इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमने इन चारों को बना के रेडी कर लिया है। अब इसको हम ब्लाउज में लगाएंगे। तो लटकन लगाने के लिए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीचों बीच हम छोटा सा कट लगाएंगे, एक छोटा सा छेद करेंगे। इसमें अब हम डोरी को डालेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें ये लटकन बना के तैयार करना है। अब हम दोनों तरफ से सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने लटकन बना लिया है। अब हम एक दूसरे कपड़े को बीच में से कट करेंगे इस तरीके से। अब हम दो लटकन और लगाएंगे ऊपर की तरफ।
तो कुछ इस तरीके से हमने एक डोरी में लटकन लगा के रेडी कर लिए हैं। इसी तरीके से हमें दूसरी डोरी में भी लटकन बना लेना है। तो हमने देखी फ्रेंड्स, दोनों डोरी में लटकन बना के इसको रेडी कर लिया है और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी आप भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको इस डिज़ाइन को बनाना बताया है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी ज़रूर आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।